माननीय शिल्पी निहातिर की। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि रांची जिला अंतर्गत सुदूरवर्ती प्रखंड लापुंग की दूरी रांची से लगभग 60 किलोमीटर है। लापुंग के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु लंबी दूरी तय कर राजधानी रांची आना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में लापुंग प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो जाने से रांची जिला के अलावे खूंटी एवं गुमला जिला के कई प्रखंड जिसमें कर्रा, गोविंदपुर, भरनो, कमडारा के छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। अतः व्यापक लोकहित में लापुंग प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव पारित किया जाए। माननीय मंत्री जी, महोदय, वर्तमान में सरकार का निर्णय जहां जिस विधानसभा क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज स्थापना का निर्णय है सरकार का, और मांडर में दो दो डिग्री कॉलेज हैं, उसमें एक है डिग्री महाविद्यालय केसीबी महाविद्यालय बेड़ो, और मांडर विधानसभा क्षेत्र केसीबी महाविद्यालय बेड़ो अंगीभूत महाविद्यालय है और मांडर कॉलेज मांडर अंगीभूत महाविद्यालय है। लेकिन माननीय और भी बहुत सारे महाविद्यालय हैं आसपास में, जैसे खूंटी का भी जिक्र किया गया, खूंटी में भी है बहुत सारे, कुमला में भी हैं। लेकिन माननीय सदस्य का की चिंता वाजिब है, लापुंग से सभी महाविद्यालयों की दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सरकार इसमें चिंतित है और जीआर को और भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए आगे अगले वित्तीय वर्ष में सरकार निश्चित रूप से इस पर निर्णय लेगी और लापुंग में, ताकि लापुंग में डिग्री कॉलेज स्थापित हो सके। मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट होंगी और अपना प्रस्ताव वापस लेंगे। अध्यक्ष महोदय, जवाब में जो आया है कि डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में सरकार का निर्णय नहीं है, अध्यक्ष महोदय इस निर्णय को मैं थोड़ा प्रभावित करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, जवाब में जो आया है कि तमाम जितने भी कॉलेजेस का लिस्ट दिया गया है वो लगभग 40 से लेके 60 किलोमीटर के रेडियस में पड़ता है अध्यक्ष महोदय, और इतने दूरी तय करके, हम पहले बात तो हम मांडर विधानसभा क्षेत्र का बात करते हैं जो क्षेत्र ही खुद में ही इतना विशाल है, 5 प्रखंड पड़ता है और लगभग 73 पंचायत अध्यक्ष महोदय, उसमें अगर लापुंग प्रखंड देखा जाए 11 पंचायत है और लगभग 80-90 गांव है वहां पे अध्यक्ष महोदय, और इस क्षेत्र का लापुंग विशेष रूप से इसीलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि लापुंग एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, और पिछले 15-20 साल में बहुत सिंचाई, बहुत मेहनत से उस जगह को सींचा गया है और माहौल को बदलने का प्रयास किया गया है, और शिक्षा में इसका बहुत अहम रोल भी रहा है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हम चाहते हैं, क्योंकि अभी बच्चों को 60 किलोमीटर जाना पड़ता है अध्यक्ष महोदय, उस सुदूरवर्ती इलाके में ऐसा हालात है कि बच्चे सुबह में बिना खाए पिए निकलते हैं क्योंकि उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं है, कुछ लोग साइकिल करके जाते हैं अध्यक्ष महोदय, वापस आते हैं, पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता है घर में, बहुत तरह की चीज़ें हैं, और अध्यक्ष महोदय कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं कि जब दूरी इतना ज़्यादा हो जाता है अध्यक्ष महोदय तो उनको जाने के लिए कोई मोटिवेशन भी नहीं रहता है, और खास करके ड्रॉप आउट्स होते हैं। और अध्यक्ष महोदय, एक साइंटिफिक बात भी बता दूं, जो JER है, जो यहाँ जवाब में भी लिखा हुआ है कि JER के ही ये से स्तर पे स्थापना भी होता है, तो JER का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है अध्यक्ष महोदय कॉलेजेस से, कॉलेजेस आएगा JER खुद ही इम्प्रूव होगा पूरे स्टेट के लिए, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है तमिलनाडु में अध्यक्ष महोदय ये अभी 64 है, पूरे देश भर में द हाइएस्ट JER हमारे झारखंड में केवल 20% है अध्यक्ष महोदय, इस तरह के कॉलेजेस आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे पूरे स्टेट का JER बढ़ेगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहती हूँ अगर तुरंत फैसला नहीं हो सकता है क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं टालना चाहूँगी, तो कम से कम वहाँ एक सर्वे करा लिया जाए अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव सरकार आगे बढ़ा दे, बाकी जान रहे हम चुनावी साल है, बहुत सारी चीज़ें होंगी नहीं होंगी वो दूसरी बात है, मगर सरकार अपने तरफ से एक सर्वे प्रस्ताव बढ़ा दे इसके लिए। चलिए, माननीय मंत्री जी,
मांग को पूरी तरह से हम सरकार ने वाजिब ठहराया है, क्योंकि काफ़ी दूरी है, वहाँ कॉलेजेस काफ़ी हैं, लेकिन लापुंग जहाँ का जिक्र इन्होंने किया है 50-60 कह रही है, लेकिन 30 किलोमीटर तक की दूरी है लापुंग से, केसीबी महाविद्यालय की दूरी 30 किलोमीटर है, लापुंग से बैजनाथ जलान महाविद्यालय सिसई की दूरी 30 किलोमीटर है। और मैंने इन्हें संतुष्ट करना चाहा है और मैंने कहा है कि राज्य सरकार इस पर गंभीर है और अगले वित्तीय वर्ष में वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात इन्होंने की, वहाँ सर्वे कराने के बाद की सब मैंने कह दिया, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट को सब सभी चीज़ को मद्देनजर रखते हैं, अगले वित्तीय वर्ष में सरकार इस पर निर्णय लेगी, सकारात्मक निर्णय। अगले वित्तीय वर्ष देरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो अधिकारी ये जवाब तैयार करते हैं वो मेरे से बेहतर तो नहीं जानेंगे, जो विधायक लगातार क्षेत्र भ्रमण करते हैं। 30 किलोमीटर ब्लॉक से है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, कई सारे सुदूरवर्ती गांव से लगभग 60 किलोमीटर भी पड़ता है। मैं इस आश्वासन से अपना विस्तार वापस लूंगी, अगर सरकार इसी वित्तीय वर्ष अपना एक प्रस्ताव, सर्वे प्रस्ताव आगे बढ़ा देगी। चलिए, ये तो आश्वासन दिया ही गया, वो आश्वासन दे दिया आपको जी, धन्यवाद। फिर मैं अपना विस्तार वापस लेती हूँ।